एमपी में मिश्रण 2023 को फतेह करने के लिए बीजेपी ने मैदान संभाल लिया है, जहां बीजेपी की युवा फौज भी जनता के बीच नजर आ रही है। अब की बार विधानसभा चुनाव में युवा फैक्टर का जलवा देखने मिल सकता है। इन्हीं संभावनाओं के चलते विधानसभा चुनाव से पहले ही युवा फौज मैदान पर पसीना बहाते और जनता के बीच पहुंचती नजर आ रही है। कुछ ऐसा ही नजारा प्रदेश की अलग अलग विधानसभाओं में देखने मिल रहा है, जहां बीजेपी की युवा फौज यानी अभिषेक भार्गव, सुकर्ण मिश्रा, आकाश राजपूत और त्रिशमूल झा अपने अलग अलग अंदाजों से जनता का दिल जीतते नजर आ रहे हैं। देखिए एक खास रिपोर्ट। मिश्रण 2023 के लिए तैयार बीजेपी की युवा फौज, मैदान में जमकर पसीना बहा रही बीजेपी की फौज, सागर में अभिषेक गोपाल भार्गव ने संभाला मैदान, सुर्खी में आकाश राजपूत का दिख रहा कमाल, दतिया में सुकर्ण मिश्रा की जनसेवा ने जीता दिल, ग्वालियर में देखने मिल रहा त्रिशमूल झा का दम। सागर की सियासत में इन दिनों युवाओं का जलवा देखने मिल रहा है, जहां मंत्री गोपाल भार्गव के सुपुत्र अभिषेक भार्गव लगातार जनता के बीच पहुंचकर जनसेवा करते नजर आ रहे हैं, तो वहीं युवाओं का दिल अभिषेक बड़ी आसानी से जीत रहे हैं। अभिषेक जहां जहां जा रहे हैं जनता के चहेते बनते चले जा रहे हैं, तो वहीं हाल ही में अभिषेक ने रोजगार विषय पर युवाओं को वर्चुअली संबोधित भी किया। सागर की ही सुर्खी विधानसभा में मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के सुपुत्र आकाश सिंह राजपूत भी जनसेवा के काम में जुटे हुए नजर आ रहे हैं, जहां वे लगातार जनता के बीच पहुंचकर जनता का हाल जानते दिखाई दे रहे हैं। आकाश राजपूत क्षेत्र के लगभग सभी कार्यक्रमों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं, तो वहीं क्षेत्र की जनता के सुख और दुख में सक्रियता से सहभागी बन जाते हैं। उधर दतिया में प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के सुपुत्र सुकर्ण मिश्रा भी अपने एक्टिव अंदाज के चलते जनता के दिल में अलग पहचान बना रहे हैं, जहां सुकर्ण मिश्रा भी क्षेत्र के अलग अलग आयोजनों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। इतना ही नहीं, सुकर्ण मिश्रा विधानसभा में अलग अलग तरह के आयोजन भी कराते हैं, जिनमें युवाओं की सहभागिता देखते ही बनती है। कुछ ऐसा ही सेवा भावी अंदाज इन दिनों ग्वालियर में बीजेपी नेता प्रभात झा के सुपुत्र त्रिशमूल झा का भी देखने मिल रहा है, जहां त्रिशमूल झा लगातार मैदान में एक्टिव होने के साथ ही जनता के हर सुख दुख में सहभागी बनते नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, क्षेत्र के सार्वजनिक आयोजनों में भी त्रिशमूल झा की उपस्थिति देखने मिल रही है। कुल मिलाकर देखा जाए तो एमपी में मिशन 2023 को फतेह करने के लिए बीजेपी ने मैदान संभाल लिया है, जहां बीजेपी की युवा फौज भी जनता के बीच नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, भोपाल।